तो वेलकम है जी आप सबका विकास स्वरूप ब्लॉग्स में। और आज मैं जा रहा हूँ एक सीरियल पे, नाम तो ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं आपको पहुँच के बताऊंगा कि सीरियल का नाम क्या है। उसे भूख बहुत तेज है, कुछ खा लें यार, आदत है मेरी। मतलब सुबह सुबह मैंने नहा लिया है तो भूख लगनी ही लगनी है, अब भूख लगनी है तो कुछ खाना ही खाना है, चाहे जो हो जाए। मतलब ऐसा होता है यार, मेरे साथ होता है ये कि अगर नहा लिए हैं तो भूख लगेगी। आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि अगर नहा लिए हो तो भूख लगनी ही लगनी है तुरंत? इतनी सुबह है, 6 बज रहे हैं, इतनी सुबह है कि दिख भी नहीं रहा है कुछ। मतलब यहाँ तो कोहरा नहीं होता है मुंबई में, बट अभी सुबह सही से हुई भी नहीं है और हम चल पड़े हैं काम पे। ऐसी होती है एक्टरों की लाइफ, कभी कुछ भरोसा नहीं कितने बजे कॉल आ जाए। कोई कॉल नहीं आई थी, सुबह 5 बजे सुबह कॉल आ रही है कि आपका शूट है, आ जाओ। मतलब गया था ऑप्शन मेरा, बट पता नहीं था कि हाँ हो गया है या नहीं हो गया है, होल्ड पे था। लेकिन सुबह सुबह पता चलता है कि भैया शूट है, आ जाओ। अब जल्दी तैयार हुए, निकल रहे हैं। अब रास्ता वही है 273 बस पकड़ के मलाड से मर जाना, वो तो आप रास्ता पता ही है आप सबको। तो मतलब सॉरी यार, भूख लगी है, क्या करें यार, खाने दो ना यार भाई। मतलब पहुँच के फिर बताते हैं आपको कौन सा सीरियल है, हाँ मिलते हैं। तो मैं अपने स्टूडियो पहुंचने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है अपना, ये सामने रहेजा बिल्डिंग यहां सामने है। यहां आसपास जितने बड़े बड़े एक्टर, यहां दो एक्टर बहुत बड़े रहते हैं, पंचायत के लगभग, पंचायत जो वेब सीरीज आई थी उसके लगभग 20% एक्टर यहीं रहते हैं मड इलाके में। और यहीं पर अर्चना पूरन सिंह का जो बंगला है यहीं पर है, मतलब जो कपिल शर्मा शो में हंसती है ना, उनका भी बंगलो इधर ही है। और पंकज त्रिपाठी जी भी यहीं रहते हैं। तो ये इलाका बहुत अच्छा है एरिया, मड इलाका बोलते हैं इसको, मलाड का मड एरिया। और ये रहा रहेजा, जहाँ पर सब लोग रहते हैं, काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स हैं रहेजा में उनके, ये रहेजा अपार्टमेंट अंदर रहते हैं। अपन से क्या मतलब, तुम अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। जीवन का एक सार है ये कि आपको मेहनत बहुत करनी है, सुबह 5 बजे उठकर 6 बजे की शिफ्ट में जाना और उस कम से कम 6 बजे वापस फिर घर की तरफ निकलना, फिर पहुंचना, खाना बनाना, फिर सोना, फिर प्रैक्टिस भी करना उसी टाइम, 12 घंटे शूट करना, फिर घर पहुंच के खाना बनाना, फिर उसी में प्रैक्टिस करना, उसके बाद फिर अगले दिन शूट पे जाना। भैया बहुत काम है। लोग सोचते हैं कि बस एक्टर की ज़िंदगी इतनी आसान होती है कि वो एक्टर बन गया है, कैमरे के पीछे की जो उसकी मेहनत होती है ना, लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि पंकज त्रिपाठी बस पंकज त्रिपाठी बन गए। नहीं मेरे दोस्त, पंकज त्रिपाठी ने कितना घिसा है। वो रन मूवी का सीन याद है आपको, जहाँ पर वो कौवा बिरयानी वाला जो रहते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि पूछते हैं उनसे रास्ता वास्ता, तो सवाल का जवाब देते हैं, कुछ सीन याद होगा वो। तो वहाँ से लेकर और यहाँ तक का सफ़र जो है उनका आसान नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि मैं पंकज त्रिपाठी ऐसा या फिर किसी और जैसा बनना भी नहीं चाहता। मैं बस विकास मिश्रा रहना चाहता हूँ और शायद हमारी मेहनत रंग लेके आए और हम भी कुछ लायक बन जाए। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मेहनत तो कर ही रहा है भाई आपका, देखते हैं कि सफलता इतनी कब मिलती है। 23-24 साल की उम्र है भाई, बन जाएंगे, थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे और तो अच्छा तो हो ही जाएगा। ईश्वर इतने भी खतरनाक नहीं है मेरे लिए। तो ये है सनाया रिजॉर्ट, जो कि हमारा लोकेशन है जहाँ पर सीरियल का शूट हो रहा है। काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है ये, जहाँ पर स्विमिंग पूल भी है और वाटरफॉल भी आपको दिखाई देगा आगे चल के। बहुत शुरू करते हैं वाटरफॉल से। वाओ यार, मैं यहाँ फर्स्ट बार आया हूँ, लेकिन यार रिजॉर्ट तो बड़ा मस्त है ये, हर चीज़ मिलेगा यहाँ आपको, क्या बात है यार। स्टूडियो तो बड़ा मस्त है ये, रोलर कोस्टर भी है, स्लाइडर बड़ा मस्त लग रहा है भाई मेरे को। और ये रहा पार्क एरिया, ये हमारा पहला सीन है डे का, काफ़ी मॉर्निंग का समय है, लगभग 6:30 बज रहे हैं इस टाइम। कैमरामैन हमारे खड़े हुए हैं एकदम शूट करने के लिए, डबल कैमरे के साथ शूट हो रहा है ये सीन, लाइट वो ऊपर चल रही है कि हाँ जो का प्रॉपर लाइट मिले। ये सेकंड सीन है, प्रिपरेशन चल रही है, मेन लीड एक्टर हमारे ये हैं जो स्क्रिप्ट लेकर पढ़ रहे हैं।
इन लड़कियों ने लगता है बालों में कंघी नहीं किया है कि तेल नहीं लगाया है, काफी उलझे उलझे बाल लग रहे हैं। काहे भैया बाल को उड़ा रही हो अपने, नहीं उड़ने वाले हैं। ये सीन की प्रिपरेशन चल रही है जो कि हमारे डॉक्टर साहब समझा रहे हैं लड़कियों को कि कैसे सीन होगा, कैसे आपको चल के आना है। ये हमारे कैमरा मैन है जो कैमरा लेकर खड़े हुए हैं, कब शूट कर डाले धा। ये मेन लीड एक्टर हैं जो कि स्क्रिप्ट की अपने रिहर्सल कर रहे हैं। और ऐसे होता है क्लोज सीन का प्रिपरेशन। ये जैसे वाइड शॉट जब हो जाता है, वाइड शॉट उसे कहते हैं जो दूर से लिया जाता है, प्रॉपर मतलब जो भी दो तीन एक्टर खड़े होते हैं उन सब का सीन आता है। थोड़ी थकावट आ गई थी काम कर गए, तो मुझे लगा कि जो चाय पिया जाए। मैं आपको चाय पी के मैं दिखाता हूँ कि चाय यहाँ की बनी कैसी है। आज की चाय देख रहे ना, पूरी भरी हुई है। ये है चाय। कभी कभी ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस का भी सामना करना पड़ता है कि वो ऐसी चाय हमें देते हैं जो चाय कम पानी ज़्यादा होती है। एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि काम करना है, एडजस्ट करना पड़ता है। अगर मेरा शूट नहीं चल रहा होता ना, मैं पक्का वाटरफॉल में जाता यार, क्या मजा कर रहे हैं बच्चे। फिर भी हमने सोचा जितने भी एक्टर्स हैं कि हाँ जैसे ही हमारा पैकअप होगा कूदेंगे वाटरफॉल में और स्विमिंग पूल में नहाएंगे, स्लाइड भी करेंगे। वाओ यार, एक्साइटेड लेवल बच्चों की, मतलब ये स्कूल की ट्रिप आई है बच्चों की। हमारा शूट देखने आए थे यहाँ पर, फिर ये लोग नहा रहे हैं, यहाँ का खाने की व्यवस्था भी इन लोग की है। स्कूल की ट्रिप आती तो बच्चे कितना एंजॉय करते हैं यार, मतलब बचपन याद आ गया यार कि हम लोग भी तो ऐसे जाते थे। लेकिन इनका तो मज़े है यार, हम लोग भी जैसे ही पैकअप होगा ना बहुत जल्दी आएंगे और कूदेंगे, फिर वहाँ की वीडियो दिखाएंगे अगर टाइम पे पैकअप हुआ तो। अच्छा आप लोग शेयर करो हमसे यार कि आप लोग कहाँ कहाँ ट्रिप पे गए हो बचपन में, या अभी भी कहाँ कहाँ ट्रिप पे जाते हो, और जो आपकी सबसे एक्साइटेड चीज़ें हैं वो क्या करते हो ट्रिप पे, और जाते भी तो कहाँ, मतलब अयोध्या जाते हो, वृंदावन जाते हो, काशी जाते हो, या मतलब कहाँ जाते हो, या फिर कहीं मतलब जू में जाते हैं ना, मतलब लोग कहीं ना कहीं तो स्कूल का ट्रिप जाता है ना यार। तो आपका मेमोरेबल ट्रिप कहाँ का है आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका सबसे बेस्ट मेमोरेबल डे कौन सा था। शूट चलने के बाद अभी जस्ट अभी खाना खाए हम लोग, दो बज चुका है, थोड़ा अब आराम करने का समय आ गया है। तो आराम करने का समय मिलता नहीं है, बट आज मिल गया है। तो मिल गया है तो हम भी थोड़ा आराम कर लें क्योंकि थक हम भी गए हैं, थोड़ा आराम करके आते हैं। कॉलेज का एक सीन खत्म हो चुका है, सेकंड सीन की तैयारी चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है, सीन समझाया जा रहा है कि सीन कैसे कैसे क्या होना है। तो फिर जैसे ही आप स्टार्ट हो रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मेन लीड कर रहे हैं वो ये हैं, उनका क्लोज कटने जा रहा है। सो या कहीं जा रहे हो क्या, मिलते हैं। वो हैं अपने डायरेक्टर साहब जिनके साथ मैंने एक वेब सीरीज की थी, इनका नाम है बबलू ठाकुर, बिहार के हैं और बिल्कुल ख़ास हैं अपने, बड़े मजाकिया हैं। मतलब ऐसे समझाते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब कोई सीन ऐसे समझाते हैं कि बच्चे को समझा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। बहुत जल्दी पैकअप हो गया और हम घर पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि 6 की शिफ्ट थी तो लगभग 6 बजे पैकअप हो जाना चाहिए था, क्योंकि सुबह 6 बजे हम यहाँ पहुंच गए थे। तो 6 बजे पैकअप, पैकअप के बाद क्या होता है, घर जाते हैं। तो मतलब वीडियो का यहीं पे रैप अप करते हैं, हम भी वीडियो का पैकअप करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, लव यू है सबको, चुम्मेश्वरी है सबको, बाय बाय, टेक केयर।